अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड वेलकम करता हूँ आप सबके नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो गाइज मैं काफ़ी टाइम से मतलब यूट्यूब से शॉर्ट था, तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में वीडियो तो अपलोड करा था बट लॉन्ग कोई वीडियो नहीं अपलोड करा था, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब से आपको प्रॉपर व्लॉग देखने को मिला करेंगे। तो अब से मतलब कंप्लीट सेटअप बन गया। तो कुछ ऑनलाइन काम के अंदर मसरूफ हो गया था जिसकी वजह से मतलब व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मतलब मैं आपको अपनी डेली रूटीन भी दिखाऊंगा दोस्तों की और अपने घर वालों की। आज इफ्तारी भी मेरी तरफ से है इसलिए काम वगैरह भी सारा कुछ कंप्लीट करेंगे और डेली रूटीन आपको व्लॉग के साथ देखने को मिला करेगी। तो गाइस व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस सुबह सुबह हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, हम मतलब पीसी के सामने बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आपको शायद मोबाइल से फोकस करके नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर हमने मतलब ट्रेडिंग ऑन की हुई है, तो वहाँ पर जाने के बाद हम अपने लिए कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमने ट्रेड लेनी होती है। सबसे पहले हमने कोई कॉइन सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मतलब कि मुझे तो ना कल दो तीन दिन से ना XRP में मतलब अच्छी खासी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो XRP को हम ऑन कर लेंगे। तो इसके बाद इसके अंदर हम सारे चार्ट वगैरह देखेंगे। चार्ट वगैरह देखने के बाद इसके अंदर हम अपनी पोजीशन देखेंगे। पोजीशन देखने के बाद हम लेते हैं मोबाइल से ट्रेड, मतलब कि हमने चार्ट यहाँ पर पीसी में ऑन किया होता है, उसके बाद हमने जो ट्रेड लेनी होती है वो हम लेते हैं अपने मोबाइल से। तो जिसको ट्रेडिंग के बारे में पता है तो उसको तो पता चल गया होगा किस तरह मार्केट को एनालाइज करने के बाद हम मतलब अपनी पोजीशन लेते हैं। पोजीशन लेने के बाद फिर उसके बाद हम अंदर करते हैं ट्रेड शुरू। तो इस तरह हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम मतलब अपनी पोजीशन लेकर ट्रेडिंग ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं दिन की। तो उसके बाद तो जब तक हम मतलब इसके अंदर से हम प्रॉफिट कर लेंगे ना, तो इन्हीं टाइम तक जोर का नमाज का टाइम भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो बाकी थोड़े बहुत कुछ और भी काम है वो भी करेंगे। तो गाइज काम ख़त्म करने के बाद फिर से दोबारा से छत पे आ गया था, टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैं छत पे आया तो छत पे मेरे कज़न की बेटी भी ऊपर आ गई है। इधर आओ नया, इधर आओ। तो ये मेरे कज़न की बेटी है छोटी सी, तो ये भी मेरे साथ छत के ऊपर आ गई। इसने देखा है कि मतलब इसका चाचू जो है वो छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये भी आ गई है। तो बेसिकली मुझे पता चल गया ये क्यों आई है ऊपर, ये पैसे लेने के लिए आई है। तो चीज़ लेने के लिए जाएगी, बेटा रमज़ान है गली में जाकर चीज़ नहीं खाते। तो चलो अभी इसको देते हैं पैसे और इसको बोलते हैं जाकर चीज़ ले आए। तो ये मेरे साथ मतलब अक्सर मेरे साथ ही रहती है, तो जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह बना रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे पास चुप करके आके बैठ जाती है। क्या चीज़ लेनी है, कहाँ से चीज़ लेनी है बोलो ना। कैमरे की वजह से शर्मा गई है, कुछ भी नहीं बोल रही और इतना ज़ोर से इसने मुझे पकड़ा हुआ है ना। तो चलो इसके साथ जाते हैं, तो चीज़ लेके देते हैं इसको। नमाज़ पढ़ के आए हैं, जुनैद भाई की बैठक में लेटे हैं। तो यहाँ पर जुबैर जुनैद बैठे हैं और सामने क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। बंद कर दिया, अब ये देख सकते हैं कितना शौक से क्रिकेट का मैच देखा जा रहा है। लाइटें ऑन की जा रही हैं, मुझे लगा जुनैद साहब हथापाई करने आ रहे हैं। अभी सीन बनाएंगे इंशाल्लाह, इफ्तारी का इफ्तारी करेंगे, माहौल बनाएंगे काफी अच्छा सा। हमारे साथ एक और बंदा भी और आएगा, एक ऐसी बात ना जुनैद। मेरी तो बैंड बज गई थी, मैं तो आके लेट गया हूँ जुनैद भाई के चारपाई पे आके लेट गया हूँ। तुम क्यों गलत समझ रहे हो यार, रमजान है अब तो मतलब बंदे को ना डबल मीनिंग बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये देख सकते हो मेरा स्पेशल एडिशन पड़ा रमजान का, जो मेरे पास लाइसेंस है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। वाह 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 जुनैद भाई, एंड कमाल कमाल हो गया। बाल खराब है जुबैर, बस एक चीज मिल जाए, बस टीवी मिल जाए, क्रिकेट का मैच ला देगा बस, या फिर गेम खेलने लग जाए बस। दो काम मैन और कोई काम नहीं है। अब इसने खबरें लगा दी, क्या हो गया कलारी मैम में, क्या होगा सकरदू, ये इफ्तार के टाइम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, इफ्तार के टाइम पे क्या होगा फैसलाबाद में? अच्छे अपने अपना इफ्तार का टाइम क्या है? 6:00 मुल्तान में 6:24 पे है। 6:24 6:17 पे इफ्तारी होगी, तो यहीं पर हमने माहौल बना लिया। जयपुर में 6:11 पे, जाओ उधर ही चले। जुबैर भाई क्या बोलते हो, माहौल यहाँ पर ही बना लें या फिर उधर चलते हैं? इधर ही सीन कर लेते हैं, इधर सीन ठीक है। साथ में ये मैच का मसला है ना, मसला मैच का है। केबल एनजी चल दिया, फिर हम केबल में उसकी कर सकते हैं। और मेरा लाइसेंस दे यार, मैं अपना लाइसेंस सिर पे पाऊं। कोयटा 6 भी तौली है भाई, क्यों हो जी लगन नहीं है वो भूख उठो। अब बहुत नाराज आया ये किदे चाचा लग रहे
चलो यार मिलते हैं थोड़ी देर में, इफ्तारी के टाइम पे मिलते हैं। अभी थोड़ी देर हम गेम वगैरह खेलेंगे। जुबैर नु मोबाइल मिल गया, जुबैर ने गेम शुरू कर दी। जुनेद परेशान, जुनेद आज रोजा लग गया, जुनेद फुल परेशान आज, इंज ना जुनेद। जुबैर साहब यार गेम खेले यार, चेक करो चेक करो। ए भी सही है, मतलब टाइम गुजारने वास्ते गेम खेलो, तकरीबन 15-20 मिनट की गेम होती है, कभी टाइम निकल जाता। ओए वाह वाह वाह, मैंने ऐड करो गिल्ड च, ऐड कर गिल्ड च। हां अच्छा, मैं बाद च ऐड करना जब गेम ऑन की थी। फिलहाल दे व्लॉग चल कंटिन्यू है ना, मैं थोड़ी गिल्ड च एनु चेंज कर ला यार, कुछ और चीज ला ले देते। ओ अगे मैं गिल्ड नु छेड़दा पे गिल्ड च निकल गए यार। किदे गिल्ड च दोबारा ऐड करनी नु? अच्छा चलो मैं ऐड कर देना गिल्ड च। जुनेद ने मोबाइल दे पीछे की लिखवाया, वाह जेदी, वाह 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 जेदी। हां तेरा बेली यार, इंग्लिश में जेदी भी कह सकते हैं आप, सही होगा। चलो गाइज अभी मिलते हैं अफ्तार के टाइम पे। अफ्तारी का सामान यहाँ पर हमने लगा दिया, जुनेद जुबैर और बड़ा भाई पीछे आ गया बैठ गए हैं। तो ये हमारा अफ्तारी का सामान मौजूद हो चुका है यहाँ पर। तो ये जुनेद और जुबैर बैठे हैं, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही सारन बजेगा हम स्टार्ट कर देंगे खाना। तो अफ्तारी के बाद मिलते हैं आपको इंशाल्लाह।